नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम जिस मैच के हम बात करने जा रहे हैं वह है पाकिस्तान बुएन वर्सेज ऑस्ट्रेलिया बुएन के बीच में होने वाला फर्स्ट ओडीआई मैच। तो सबसे पहले आपको टीमों के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ, अगर आप अपनी टीम खुद बनाना चाहते हैं तो इन बातों को आप ध्यान में रख सकें। तो सबसे पहले अगर बात करें दोनों टीमों के कंपेरिजन की, तो ऑस्ट्रेलिया टीम ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है एज़ कम्पेयर करें पाकिस्तान से। तो जो रेशो बनाना, तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जो ज़्यादा लेने की कोशिश करना, और आपको पता है कि वुमेन्स जो क्रिकेट टीम होती है उसमें ज़्यादा रन बनते नहीं हैं, तो बॉलर्स ज़्यादा लेने की आप कोशिश करना इस मैच में, और हो सके तो इस मैच के जो आप जो टीम बनाएंगे उसे ग्रैंड लीग में लगाना। जरूरी जो मेरी जो एग्जैक्ट टीम है, जो मैं स्मॉल लीग की टीम है वो मत लगाना ग्रैंड लीग में। मैं ग्रैंड लीग में लगाना चाहते हैं लगाइए, स्मॉल लीग की टीम में थोड़ा चेंज कर देना आप। ये मैच फर्स्ट मैच है, फर्स्ट ओडीआई मैच है, और जब भी आप ग्रैंड लीग में कोई भी टीम लगाते हैं मैं सजेस्ट करूँगा फर्स्ट मैच या फिर लास्ट मैच। कारण आपको बता देता हूँ, कारण ऐसा क्यों है, क्योंकि फर्स्ट मैच में पता नहीं होगा कौन कौन प्लेयर का चेंजेस होने के चांस होते हैं, लास्ट मैच में चेंजेस होते हैं, बैन स्टैंड को ट्राई करती है टीमें, तो फर्स्ट या फिर लास्ट, तो इस बात का ध्यान रखना। इसको आप ग्रैंड लीग में ला सकते हैं, मैं अपना आपको बता दूँ कौन से प्लेयर के बारे में कौन सा खेल सकता है कौन सा नहीं खेलता। आखिरी में आप अपनी खुद की टीम बना के मेरी स्मॉल लीग की टीम है उसमें थोड़ी चेंजेस करके आप ग्रैंड लीग में लगा देना अपनी, उससे किसी से मत करना कि ये वो मतलब कि किसी वेबसाइट वगैरह से लेके, नहीं आप अपनी खुद की टीम बनाना, जोन सा प्लेयर आपको लगता है कि हाँ ये खेल सकता है तो उसको लेना और ग्रैंड लीग में उसको लगा देना। कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना वो आपकी मर्जी है, उसको लगा देना, आपकी जो रैंकिंग अच्छी आएगी, क्योंकि आपको जो ग्रैंड लीग जीतने के लिए 90% आपको लक चाहिए होता है, 10% आपका चाहिए होता है टीम। तो चलिए शुरू करते हैं। जो दोस्तों मैं दो टीम बता रहा हूँ हेड टू हेड और फिर स्मॉल लीग के बारे में, स्मॉल लीग यानी 2-4 मेंबर्स के लिए बता रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। कई बार ऐसा होता है कि मैच होने से पहले थोड़ी टीमों में या फिर टीमों के प्लेयर्स के बारे में थोड़ी इंजरी की पता चलता है कि कुछ अपडेट आ जाता है, तो अपने चैनल के जो कम्युनिटी बार है उसमें सब लिख दे दो, अबाउट सेक्शन के पास में आपको मिल जाएगा उसमें सब लिख दे दो, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट बार में कमेंट करके उसको पिन कर देता हूँ। आपको बस एक सेकंड लगना है देखना है, दूसरे सेकंड में आपने प्लेयर चेंज करना है, बस सिंपल इतना। अब बात करते हैं विकेट कीपर का, विकेट कीपर बात के आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे विकेट कीपर में, एल्सा हेली और सिद्रा नवाज। तो एल्सा हेली को मैंने इसलिए कारण आपको बता देता हूँ कि ये ओपनिंग करती हैं, इसलिए मैंने इनको सेलेक्ट किया, फॉर्म में भी अच्छी प्लेयर है, अच्छी बैट्समैन है। सिद्रा नवाज भी अच्छी है लेकिन ये खेल नहीं आती छठे नंबर पे, और जो पिच है पिच में बारिश होने की संभावना है, तो जो अपने प्लेयर सजेस्ट जो सेलेक्ट करना हो थोड़े टॉप ऑर्डर के सेलेक्ट करें, क्योंकि बारिश होने के चांसेस और मैच रिड्यूस हो सकता है, और पिच वो है स्पिनर के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद है, तो इसलिए एल्सी हेलिस को ले क्योंकि ये ओपनिंग करने आती है। अब बात करते हैं तो बैटिंग डिपार्टमेंट की, बैटिंग में मैंने मैग लैनिंग को नहीं लिया। आप डेफिनेटली आपने सोच रहे हैं क्यों नहीं लिया, क्योंकि बड़ा नाम है बैटिंग फॉर्म में, क्यों नहीं लिया जावेद खान को, क्यों नहीं लिया, ये कैप्टन है और मैग लैनिंग दोनों के दोनों टीम के कैप्टन है, इनको क्यों नहीं लिया आपको बताऊं। इनको मैं लेना चाहता डेफिनेटली, लेकिन इनके जो क्रेडिट है 10.5 बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं इनको नहीं ले पाया। एक बैलेंस टीम बना रहा था मैं, इसलिए इनको मैं नहीं ले पाया, ये आपको खेलते हुए दिखा दें, आप लेना चाहते आप ले सकते हैं। तीसरे नंबर पे खेलते हैं, और जावेद खान की बात करिए भी तीसरे नंबर पे खेलते हैं, कैप्टन है दोनों, एक पाकिस्तान के और एक ऑस्ट्रेलिया के। इसका जो मैंने सेलेक्ट किया निकोल बोल्टन, जो कि ओपनिंग करेंगी हेली के साथ, जो कि विकेट कीपर है ऑस्ट्रेलिया की, उनके ओपनिंग करेंगे नाहिदा खान, जो कि बेहतरीन फॉर्म है, पिछले जो सीरीज हुआ था उसमें बेहतरीन उन्होंने परफॉर्म किया था नाहिदा खान ने, और ये आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगी। और रसेल हेंस को मैंने लिया, रसेल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे, और अगर इनके बैटिंग पोजीशन की बात करें आपको पाँच जन ओवर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। बेथ मुनी आप ले सकते हैं, बेथ मुनी की बात करें तो ये छठे नंबर पे आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे। आयशा जफर, तो दो नामों में थोड़ी कन्फ्यूजन है, आयशा जफर और मुनीमा अली की बात ओपनिंग में, क्योंकि दोनों ओपनर हैं, लेकिन नाहिदा खान के साथ या तो मुनीमा अली को मौका मिल सकता है या फिर आयशा जफर को। दोस्तों अगर आयशा जफर को मौका मिला तो ये ओपनिंग डेफिनेटली करेंगी, और टीम मैनेजमेंट दोनों को खिलाना चाहेगी, तो अगर आयशा जफर को ओपनिंग मिली तो मुनीमा अली मिडल ऑर्डर में खेल सकते हैं मुनीमा अली। लेकिन अगर पिछले सीरीज़ की बात करें उनको इसमें ओपनिंग कराई थी मुनीमा अली को नाहिदा खान के साथ, लेकिन इनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था। आयशा जफर को क्या होता मौका मिल सकता है, दोनों में थोड़ा डाउट ही, दोनों को मैंने नहीं लिया क्योंकि दोनों इतने बड़े नहीं है, थोड़े आउट ऑफ फॉर्म चले, इसलिए मैं दोनों में किसी को नहीं लिया। एलसी विलानी को ले सकते हैं, तो एलसी विलानी की बात करें ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती हैं, आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। सिद्रा अमीन, सिद्रा अमीन की बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से खेलते हैं सिद्रा अमीन, लेकिन
आपको न्यूज़ बता देता हूँ कि ये स्क्वाड में नहीं है, इनको पता नहीं क्यों डाला, वैसे द्रविड़ है ही नहीं। उमेमा सोहेल की बात कर पाकिस्तान की तरफ से खेलती हैं, अब इनको सिलेक्ट कर से लेकिन कम चांसेस मैच में इनको मौका मिल सकता है, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट नहीं किया। अब बात करें तो ऑलराउंडर की, ऑलराउंडर वुमेन्स जो क्रिकेट टीम है उसमें ऑलराउंडर बहुत बेहतरीन रोल अदा करते हैं। एलसी पेरी जो कि नंबर वन बैट्समैन है इस टाइम, बैट्समैन की बात कर नंबर वन है वुमेन्स क्रिकेट टीम में ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो इनको आप लेना ना भूलें। और इनकी बात करें बैटिंग करने आती है चौथे नंबर पे और विकेट टेकिंग बॉलर है। सना मीर की बात करें इनका भी यही है, ये आपको पाँचवें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे और ये विकेट टेकिंग बॉलर है। पिछले सीरीज में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया था। आलिया रियाज को आप ले सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ से खेलती है आलिया रियाज, अब इनको डेफिनेटली इस मैच में भी ले सकते हैं, क्या पता मैच खेलते हुए आपको दिखाई दे सकती है। एशले गार्नर को आप ले सकते हो, तो एशले गार्नर की बात करें अस्टे की तरफ से खेलती हैं और ये सातवें नंबर आपको बैटिंग करते हुए दिखाई दे सकती है। नतीला परवेज की बात करें तो बैटिंग इनकी खास परफॉर्मेंस रहती नहीं क्योंकि बहुत थोड़ी नीचे खेलने आती है, बात करें 10-11 नंबर बैटिंग करनी आती है, क्या आप इस मैच में इनको प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को कम चांसेस लगते हैं। बॉलिंग इनको मिल जाती है लेकिन बैटिंग में थोड़ी इनका प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इनको सिलेक्ट नहीं किया। एज ए बॉलर आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। निकोला कैरी की बात करें तो निकोला कैरी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती है निकोला कैरी, और इनको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी टीम में, या आपको 7-8 नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखाई देंगी। अब बात करें तो बॉलिंग डिपार्टमेंट की, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात करें मैंने सिलेक्ट किए हैं चार, टोटल 7 प्लेयर जो मैंने सिलेक्ट किए हैं वो है बॉलर्स, क्योंकि वो मैंने क्रिकेट टीम में विकेट गिर जाते हैं लेकिन रन बहुत कम बनते हैं, तो एक विकेट की मतलब आपको पता है कि एक विकेट पर 12 पॉइंट मिलते हैं, और कैप्टन बेस्ट स्कोर बनाएंगे उनको आप 24 बनेंगे, तो उसी 12 पॉइंट को बनाने के लिए बल्लेबाज को 20 या फिर 21 रन बनाने पड़ते हैं, चौके छक्के मारेंगे। नहीं अगर नॉर्मल बात करें अगर इक्का दुक्का लेकर तो 24 रन बनाने पड़ेंगे तभी उनके 12 पॉइंट बनेंगे। वैसे भी ओडीआई मैच है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप बॉलर ज़्यादा लेने की कोशिश करें वुमेन क्रिकेट टीम में जब भी कोई मैच होता है। निदा डार्क जो कि बेहतरीन फॉर्म में चल रही थी पिछली सीरीज में और ये आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, चौथे नंबर पर विकेट टेकिंग बॉलर है। निदा डार्क की बात करें इनको बॉलिंग सेक्शन में डाला हुआ है लेकिन ये बैटिंग बहुत अच्छी तरह कर लेती हैं, बैटिंग भी कर लेती है, चौथे नंबर पर बैटिंग करने आती हैं, क्या चौथे या पाँचवें नंबर अगर मुलिया वाली अगर खिलाया जाता है मुलिया वाली को तो ये पाँचवें नंबर पर बैटिंग करने आती हैं। मेगन शट की बात करें ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलती हैं, अगर बात करें इनकी बैटिंग की तो आखिरी नंबर पे 11वें नंबर पे खेलने आती है, उनको देखा था 78% लोगों ने सिलेक्ट किया क्योंकि ये फास्ट बॉलिंग करती है, बेहतरीन फॉर्म में चल रही है, ये भी पिछले सीरीज में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस था इनका। नसरा संधू को आप डाउट नहीं कर सकते, नसरा संधू इस मैच में डेफिनेटली आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। अमान अमीन को आप ले सकते हैं, अमान अमीन की बात करें तो ये बहुत नीचे खेलने आती है, और नसरा संधू की बात करें तो 7वें नंबर पर बैटिंग करनी आ जाती है, लेकिन बॉलिंग नसरा संधू अमान अमीन करेंगे डेफिनेटली। सोफी मुलिनेक्स को भी आप ले सकते हैं, सोफी मुलिनेक्स की बात करें तो ये आपको 9वें नंबर बैटिंग करते हुए दिखा लेंगे, बॉलिंग ये पूरी करेंगे। डायना बिया का थोड़ी कम है कि इस मैच में इनको खिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है। एना अनवर का की बात करें दोस्तों, एना अनवर की भी है चांसेस कि इनको मौका मिल सकता है, जल्द सके मैंने खेलते हुए दिखा देंगे आपको। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से केला वेलन का थोड़ी डाउट है, जॉर्जिया वेलन के खेल सकती है इस मैच में, टाइलर का थोड़ा डाउट है इस मैच में मौका मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। अब बात करें तो बैटिंग कैप्टन वाइस कैप्टन बात करते हैं, कैप्टन में मैंने लिया है एली पेरी को, वाइस कैप्टन मैंने सेलेक्ट किया है सना मीर को। आपको बता दो क्यों करा इन्होंने, मैंने क्यों इनको सेलेक्ट किया कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि ऑलराउंडर है और जो भी वुमेन्स के कोई भी मैचेस होते हैं दोस्तों तो ज़्यादातर कोशिश करेगा आप स्मॉल लीग में लगाना चाह रहे हैं तो कैप्टन या वाइस कैप्टन ऑलराउंडर सेक्शन में से ही सिलेक्ट कर लें ज़्यादातर। एली पेरी के बारे में आपको बताया था कि नंबर वन बैट्समैन है और चौथे नंबर पर बैटिंग करनी आती है, सना मीर पाँचवें नंबर पर करने आती है, इसके लिए आप करना चाहते हैं निदा डार को भी करते हैं, बेहतरीन ऑप्शन है निदा डार को अगर ऑलराउंडर सेक्शन में नहीं डाला, लेकिन ऑलराउंडर ही है निदा डार क्योंकि यह सना मीर से पहले बैटिंग करने आती है, तो इनको भी आप बना सकते हैं। नसा संधू मेगन शॉट या सोफी मुलेन को बना सकते हैं। बैटिंग डिपार्टमेंट कम से कम बनाने की कोशिश करें कि अपना बास्केट और वुमेन्स क्रिकेट टीम का, क्योंकि आपको पता है कि वुमेन्स के इतने रन बनते नहीं, अगर बनाना चाहे तो बहुत ज़्यादा रन इनको बनाने पड़ेंगे आपको पॉइंट अगर आपने लेने हैं तो बॉलर बेस्ट ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन। तो अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो,
और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जब मैं कुछ मैं अपडेट डालूंगा वो सीधा आपके पास पहुँच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और आप उसी टाइम वीडियो देख लेना या फिर कुछ भी अपडेट जो भी टीम के बारे में होते हैं इंजीनियरिंग वगैरह, तो कम्युनिटी बार में डाल देता हूँ, आपको पहले बता रखा, तो वो आप देख लेना, आपको 2 सेकंड लगने, आपने बस 1 सेकंड लगना, आपने प्लेयर चेंज करना। तो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द मैचेस, थैंक यू सो मच।